मेरा नाम अर्थ जैन है। यूपीएससी 2020 में मेरी रैंक 16 आई है। मैं अपने बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं ओरिजिनली जबलपुर का हूँ। मैंने दिल्ली में करीब 16 से 17 साल बिताए हैं। मेरी एजुकेशन स्कूलिंग मेरी संस्कृति स्कूल नई दिल्ली से हुई है, जिसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से की है। 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। अगर मैं अपनी प्रेपरेशन के बारे में थोड़ा बताऊं तो लगभग 2017 के आसपास मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था। 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ था। 2020 के अटेम्प्ट में मेरे तीनों स्टेजेस हुए और मेरी रैंक 16 आई। कई लोग पूछते हैं कि क्या मैंने कोचिंग की थी, तो 2017 और 18 में मैंने कोचिंग की थी। मैंने एक वीकेंड कोचिंग ली थी, क्योंकि कॉलेज के साथ मेरा वीकडे कोचिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स के लिए भी मैंने कोचिंग ली थी IMS के थ्रू। और 2019 के अटेम्प्ट के बाद, जब मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए थे। और कई लोग पूछते हैं कि 2019 प्रिलिम्स में ऐसी क्या गलतियाँ हुई थी, तो मुझे लगता है मेरी तीन बेसिक गलतियाँ थी जो मैंने 2020 प्रिलिम्स में करेक्ट कर दी थी। पहली चीज़ तो मेरी प्रिपरेशन का बेस जो है वो काफ़ी नैरो सा था। हर बार सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमें रिवीजन काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन रिवीजन हमें एक वाइड बेस पे करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन वन, एक बुक को 9 बार पढ़ना, ऑप्शन टू, 9 बुक्स को एक बार पढ़ना, ऑप्शन थ्री, 3 बुक्स को 3 बार पढ़ना, तो ऐसे केस में मेरा मानना है कि ऑप्शन 3 बेस्ट ऑप्शन है प्रिलिम्स के लिए। हमारा रिवीजन का बेस वाइड होना चाहिए और हमें रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए। दूसरी गलती जो मैंने की थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत कम सॉल्व की थी। टेस्ट सीरीज़ हमें फैक्ट सिखाती है एज वेल एज हमारी गलतियाँ रियलाइज़ कराती है। और टेस्ट दे के हम एक एग्जाम मेंटालिटी भी डेवलप करते हैं। इस वजह से टेस्ट देना हमेशा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली प्रिलिम्स में। अगर आपका ऑप्शनल मैथ्स है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। तीसरी गलती मैं ये कहूँगा कि मैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैनिक कर गया था। एग्ज़ाम में काम रहना, टू बी पीसफुल और टू सॉल्व वेरी कामली, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। होता यह है कि जब हम क्वेश्चंस पहली बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सवाल आते नहीं हैं, लेकिन जब हम सेकंड लेयर में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो सडनली मैनेजेबल या डूएबल लगने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग फर्स्ट लेयर में ही पैनिक कर जाते हैं, उस वजह से कई लोग पेपर बिगाड़ आते हैं। मैंने भी यही गलती की थी फर्स्ट प्रिलिम्स में। वेलकम टू लुकमान IAS, स्टडी जनरल स्टडीज विद लुकमान IAS फॉर बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड अ गुड पर्सपेक्टिव, विच आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ UPSC फॉर गेटिंग टॉप रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। GS पेपर 2 एंड 4 विल बी टेकन बाय S Ansari एंड अदर पेपर्स विल बी कवर्ड बाय रिनोन फैकल्टीज, सो लुकमान IAS बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस। द रिनोन फैकल्टीज आर लक्ष्मीकांत फॉर ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, Professor Mustafa Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum mains batch with integrated guidance program, which consists of prelims, mains, and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed, and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. Prelims की basic strategy क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो हमें एक basic list of sources, that is a book list and current affairs courses and coaching courses, ये decide कर लेना चाहिए। करंट अफेयर्स लिस्ट, जैसे जो बुक लिस्ट है, वो मोर और लेस सबकी सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल, सब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए मोस्टली लोग शंकर IAS करते हैं, तो ये बुक लिस्ट मोर और लेस सेम रहती है। इसके बाद जो होता है, जो बेसिक आइडिया ऑफ प्रिलिम्स प्रिपरेशन इज़ रिविजन एंड टेस्टिंग, इसका एक कंटिन्यूस लर्निंग लूप। तो मैं जैसे करता था, मैं पहले नोट्स को पहले एक रीडिंग करता बुक की, उसमें चीज़ें हाईलाइट कर देता, उसके नोट्स बनाता। अब मैं इन्हीं नोट्स को पढ़ के टेस्ट देता। इन टेस्ट के बेसिस पे जो भी मेरी लर्निंग होती वो मैं नोट डाउन करता।
कई चीज़ें बुक्स में मेरे को फिर से हाईलाइट करनी पड़ती। अब अगेन मैं वापस जाता बुक्स पे एंड नोट्स पे और उनको री रीड करता, इसके बाद फिर से टेस्ट देता। सो बेसिकली एक साइकिल बन जाती है जिसमें एक बार मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर मैं अगेन नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ एंड मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मेंस की स्ट्रैटेजी मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट वन एसे, पार्ट टू जीएस 1-2-3 एंड पार्ट थ्री एथिक्स। तो एसे की स्ट्रैटेजी ब्रीफली बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर वन, हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपीज़ देखें ताकि हमें आइडिया लगे कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे स्ट्रक्चर कैसे करते थे। इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि फ्लो ऑफ थॉट कैसा रहना चाहिए, पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग कैसी रहनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसा रहना चाहिए, बिकॉज ये वो एसेज हैं जिनको एग्जामिनर्स ने मार्क्स दिए हैं। नंबर टू इज प्रैक्टिस। इस स्टेज पे क्या है कि हम खुद लगभग 10 से 12 एसेज लिखते हैं एक अटेम्प्ट में। मैंने अपने 2020 अटेम्प्ट के लिए लगभग 5 से 6 एसेज बिटवीन प्री एंड मेंस लिखे थे एंड अबाउट 5-6 एसेज बिफोर प्रीलिम्स लिखे थे। तो इससे क्या है कि खुद एक प्रैक्टिस हो जाती है, खुद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया लग जाता है, खुद इस बात का आइडिया लग जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ऐसे पेपर में। नंबर थ्री इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल जब हमने एक टेस्ट सीरीज़ ली तो उसमें हमें 4-4 टॉपिक सेक्शन ए और सेक्शन बी में दिए जाते हैं जिसमें हम सिर्फ एक एक टॉपिक पर लिखते हैं। जो बाकी 3-3 टॉपिक्स हैं उसमें हमें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक फ्रेमवर्क सोचना चाहिए, उस फ्रेमवर्क को हमें मॉडल आंसर से कंपेयर करना चाहिए। अब आते हैं पार्ट टू पे, विच इज़ जीएस 1-2-3। सो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो इसका बुक लिस्ट जो है वो मोर और लेस सेम रहता है एज़ द प्रीलिम्स बुक लिस्ट। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में अगर आपका हिस्ट्री है तो इसमें भी हम स्पेक्ट्रम ही करेंगे। अंतर यह आता है कि जो प्रेपरेशन का इंटेंट है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर प्रीलिम्स के लिए हम फैक्ट्स एंड डेट्स मेमोराइज़ कर रहे हैं तो मेंस के लिए हम कॉजेज इम्पैक्ट्स इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसे अगर स्वदेशी मूवमेंट है तो प्रीलिम्स में हम ये देखेंगे कि कब हुआ, कौन से कांग्रेस सेशंस थे, कौन प्रेसिडेंट्स थे उन सेशंस के, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स। पर जहाँ मेंस की बात आती है वहाँ हम ये देखेंगे कि कॉज क्या था, इम्पैक्ट क्या था, आफ्टरमैथ क्या था उस इवेंट का। दूसरी चीज़ जो लोग अधिकतर पूछते हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है वैल्यू एडिशन अलग अलग चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, केस स्टडीज, एग्जांपल्स। अगर हम इनका यूज़ करें अपने आंसर्स में तो अबाउट 0.5 से 1 मार्क बढ़ाया जा सकता है एंड क्यूमुलेटिवली ओवर 20 क्वेश्चंस इससे ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स का अंतर आ सकता है जो रैंक को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। ये वैल्यू एडिशन कंटेंट लाना कहाँ से है? मेरे हिसाब से कोचिंग मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज़, टॉपर कॉपीज़ एज वेल एज़ द इंटरनेट, इन 4 सोर्सेज से हम कलेक्ट करते रहें एग्जाम्पल्स एंड अपने नोट्स में डालते रहें। एक यहाँ पर मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि इंटरनेट पे इन्फोग्राफिक ज़रूर ढूंढें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं एंड हमें पॉवर्टी इरेडिकेशन में गुड एग्जांपल चाहिए तो आप सिंपली नेट पर सर्च करिए पॉवर्टी इरेडिकेशन और गूगल इमेजेस पे जाइए इंस्टेड ऑफ गूगल वेब। क्या होता है कि इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक्स मिलते हैं जो हम डायरेक्टली अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। पार्ट थ्री पे आते हैं जो है एथिक्स। तो एथिक्स का बेसिक आइडिया, जो बेसिक बेस था वो मेरा था एक तो लेक्सिकॉन एंड दूसरा मुदित जैन सर की डिकोड एथिक्स बुक। इससे एक अच्छा बेस बन गया था। इस बेस के बेसिस पे मैंने अपने कंसोलिडेटेड से नोट्स बनाए थे इन माय ओन लैंग्वेज। फॉर इन नोट्स में आपको करना क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिंपल लैंग्वेज में समझाने हैं, जैसे कि वॉट इज़ एम्पथी, डिफरेंस बिटवीन एम्पथी एंड सिंपथी। इसके बाद हम नोट्स में एक लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स बनाएंगे, जैसे कि गुड लीडर्स, लीडरशिप के एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ कंपैशन, एग्जांपल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इसकी एक अलग से लिस्ट बना लेंगे। एंड जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारे आंसर्स एनरिच हो पाएँ। इसके बाद जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो इसमें बेसिकली 3-4 सवाल उठते हैं। नंबर वन, स्टार्ट कब करना है? मेरा ये मानना है कि आप इनिशियल स्टेजेस में नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं होता है। आंसर राइटिंग शुड बी आंसर राइटिंग एंड नॉट क्रिएटिव राइटिंग। अगर हम एकदम डे वन से आंसर राइटिंग करेंगे तो क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं होगा तो हम मन से कंटेंट बना रहे होंगे। पर्पस हमारा ये है कि जो कंटेंट हमारे माइंड में एनग्रेव्ड है
हम उसको रिकलेक्ट करें एंड उसके बेसिस पे जो पूछा गया है उसको आंसर करें। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब एक लेयर ऑफ सिलेबस ख़त्म हो जाता है या एटलीस्ट एक लेयर ऑफ एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि कहाँ से आंसर राइटिंग करनी कहाँ से है, सो इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो यह है कि हम फुल टेस्ट लिख सकते हैं, तो जैसे विजन या फोरम आईएएस, विजन आईएएस, फोरम आईएएस, इनसाइट्स आईएएस, ये लोग फुल टेस्ट कोचिंग्स देते हैं, फुल टेस्ट कोचिंग्स जहाँ पे आप कंप्लीट टेस्ट 3 आवर टेस्ट या फिर 1.5 आवर टेस्ट लिख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि कई कोचिंग्स जो है वो डेली आंसर राइटिंग के भी फ्री कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे कि इनसाइट्स का सिक्योर है या आईएएस बाबा का TLP। तो इसमें क्या होता है कि हर रोज़ वो लोग 5 से 6 क्वेश्चन डाल देते हैं अलॉन्ग विथ मॉडल सॉल्यूशंस एंड इसके बेसिस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो ये होता है कि आप विजन की या GS कोर की वेबसाइट पे जाएं जहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपीज़ अवेलेबल हैं, आप उन कॉपीज़ को डाउनलोड करें, वहाँ से क्वेश्चंस देखें, हर रोज़ 3 से 4 क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करें एंड देन यू कंपेयर इट विथ व्हाट द सेलेक्टेड कैंडिडेट रोट। मेरा मानना यह है कि option 1 एंड option 3 एक बेटर कॉम्बिनेशन है देन option 2 से। इससे एक तो टाइम्ड तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है एंड स्टैमिना डेवलप हो जाता है option 1 के थ्रू, एंड option 3 के थ्रू हमें ये आइडिया लगता है कि जो एक्चुअल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कैसे लिखते थे। इसके बाद जो थर्ड सवाल उठता है कि एनालाइज़ कैसे करना है आंसर राइटिंग, यहाँ पर अगेन मैं वही कहूँगा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपीज़ के थ्रू हम कंपेयर करें कि उन्होंने क्या लिखा और हमने क्या लिखा, एंड अगर हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं तो वो पॉइंट्स हम अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। सो ये बेसिकली मेरे उसी सर्कुलर जो एक सर्कुलर फीडबैक स्ट्रैटेजी है उसी पे मैं वापस रिवर्ट बैक कर रहा हूँ, और इंक्रीमेंटल लर्निंग बेसिकली। यहाँ पर भी हम आंसर्स कुछ लिखेंगे, हम अपने आंसर्स सेलेक्टेड कैंडिडेट से कंपेयर करेंगे या फिर हम मॉडल आंसर्स से कंपेयर करेंगे कोचिंग के, उसके बेसिस पर हम पॉइंट्स, कंटेंट्स, एग्जांपल्स, फैक्ट्स ये अपने नोट्स में ऐड करेंगे ताकि अगली बार अगर रिलेटेड टॉपिक या सिमिलर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो हमारे आंसर की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। इस पर जो अगला सवाल ये उठता है कि क्या आंसर्स टाइम तरीके से करने चाहिए या अनटाइम्ड मैनर में, तो मेरा ये मानना है कि पहले 10-15 दिन आप अनटाइम तरीके से कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बाद आपको टाइम तरीके से ही करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रैक्टिस एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल से थोड़ी ज़्यादा रिगरस होनी चाहिए, विच मीन्स दैट एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम एक 10 मार्क्स 7 मिनट्स में करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो आप घर पर 6 मिनट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे अगर फाइनल डे पे एक अनसर्टन क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऑलरेडी एक 1 मिनट बफर होगा एक तरीके से। फाइनली आंसर राइटिंग में जो पूछा जाता है वो ये है कि पैराग्राफ्स में लिखे जाएं या पॉइंट्स में। सो बेसिक आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग इज़ कि आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए जो एग्जामिनर को सबसे ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल हो, जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगे एंड जहाँ पर एग्जामिनर कन्विंस हो जाए कि आपको कंटेंट आता है। तो मेरा यह मानना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए एंड हमें डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट्स यूज़ करने चाहिए ताकि आंसर ईजिली कंप्रेंसिबल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि एक रिजिड अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, तो कई क्वेश्चंस जैसे स्पेशली GS1 के सोशियोलॉजी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फैमिली सिस्टम पर अगर एक कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पर आपके पास बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड पॉइंट्स नहीं सोचे जा रहे हैं, तो उस केस में पैराग्राफ में लिखने में कोई इशू नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन में। सो बेसिकली कुछ तो जनरल सोर्सेज होते हैं जो सभी को हेल्प करते हैं, जैसे विकिपीडिया एंड यूट्यूब। यूट्यूब पर कई स्ट्रैटेजी वीडियोस के चैनल्स होते हैं, जैसे एक तो डेली नॉलेज ट्रैक ही है, दूसरा अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव है CTWT जहाँ पर टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। सेकेंडली अलग अलग कोचिंग्स की वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं, जैसे मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसे फोरम IIS जो एक जनरल डिस्कशन का फोरम है, विजन IIS पर आपको अच्छे PYQ सॉल्यूशंस एज वेल एज मंथली कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, इनसाइट्स IIS में आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ये डेली करंट अफेयर्स आपको दृष्टि IIS में भी मिल जाएगा। ऐसी कई सारी कोचिंग वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पर कई चैनल्स हैं जो डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफर करते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में जब लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यूज़पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए या न्यूज़पेपर हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, तो मैं यही कहता हूं कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, उसके साथ साथ एक डेली न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो भी देखें ताकि आपको समझ आए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है एंड कैसे कैसे एक पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स एंड मेंस का पर्सपेक्टिव डेवलप करना है।
अपार्ट फ्रॉम दैट नोट मेकिंग जो है वो भी मेरी एक तरीके से ऑनलाइन ही रही है। मैंने वन नोट का एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, कई लोग एवर नोट यूज़ करते हैं। जहाँ तक नोट मेकिंग का सवाल है, कई लोग पूछते हैं कि क्या फिज़िकल नोट्स बनाए जाएँ या ऑनलाइन नोट्स, तो ऐसे में मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स जो डायनामिक पोर्शंस होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, उनके अगर हम ऑनलाइन नोट्स बनाएं तो बेटर है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टैटिक ऑप्शन स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके पास चॉइस है कि आप कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मैथ्स के नोट्स कम्प्लीटली हैंड रिटन बनाया हूँ, क्योंकि एक तो मैथ्स में सिंबल्स वगैरह ऑनलाइन डालना मुश्किल होता है, एंड सेकेंडली मैथ्स एक काफ़ी हद तक स्टैटिक सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होता है। इसके बाद मैं आता हूँ टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेपरेशन। अगर कोई मेरे से पूछे कि ऐसा क्या सही किया था मैंने इस अटेम्प्ट में, देन आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ थी जो ढंग से की थी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ़ आवर्स टू स्टडी। तो मैं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो रिकॉर्ड करता था थ्रू एन ऐप कॉल्ड फॉरेस्ट। इसमें लगभग मेरे महीने के 300 घंटे, उससे थोड़े से ज़्यादा 300 से 330 घंटे होते थे, विच वुड कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 10 टू 11 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन एन एवरेज पर डे। बट एक्चुअल स्टडिंग हर दिन की थोड़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि कई डेज हाफ डेज भी होते थे। ये हुआ हमारा पहला एस्पेक्ट, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। कई लोग कहते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ स्टडिंग पे फोकस करना चाहिए, नॉट क्वांटिटी। अब मेरा मानना है कि हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे फोकस करना चाहिए। नॉट ओनली शुड आर क्वालिटी ऑफ स्टडिंग बी एक्सट्रीमली गुड, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भी इन्वेस्ट करने चाहिए। सेकेंडली जो एक मेरे टीचर ने एक आइडिया या कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज़ गोल्डन हाफ आवर कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें इमीडिएटली इन द फर्स्ट 30 मिनट्स पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, इससे पहले कि हम डिस्ट्रैक्ट हो या इससे पहले कि हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ। सो आप सुबह सुबह उठिए, आप ब्रश करिए, आप वॉशरूम यूज़ करिए, एंड उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। आप अपना ब्रेकफास्ट या नहाना जो है ये सब 1.5-2 घंटे की पढ़ाई के बाद कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है एफिशिएंसी ऑफ स्टडिंग, यानी कि जब जैसे आप टेबल पे अगर आप एक 3 घंटे के सेशन में बैठे हैं तो आप अपने मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आप लैपटॉप से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, या आप इन जनरल सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए जो सजेशंस हैं मेरे, कुछ सजेशंस यही हैं। नंबर वन, एक तो थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह पे पढ़ें, जैसे आपका स्टडी रूम अगर है तो फिर वो बंद रहे, दरवाजे बंद रहे, या फिर कई लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग अपनी कॉलेज की लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं, कई लोग जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर की लाइब्रेरीज में कोने में बैठकर पढ़ते हैं। सेकेंडली, ये आपको फ़ोन एंड लैपटॉप डिस्ट्रैक्ट ना करें, इसके लिए आजकल कई फ्री ब्लॉकर्स आते हैं। ब्लॉकर ऐप्स क्या करते हैं, ये ऐप्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम खोल ही नहीं पाएंगे। आप मेरे लैपटॉप पर भी एक ब्लॉकर चलता था जिसका नाम था फोकस मी। तो उससे क्या होता था कि मैं जब पढ़ रहा हूँ वो ब्लॉकर ऑन रहता था और मैं यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स खोल ही नहीं पाता था, यूट्यूब या web.whatsapp ये सब खोल ही नहीं पाता था। एंड फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्टडिंग, यानी कि एक इल्यूजन ऑफ स्टडिंग जो है वो हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। इल्यूजन ऑफ स्टडिंग को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे कि अगर हम सपोज़ 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि आज 8-10 घंटे पढ़ेंगे, और उस दिन हम सोचते हैं कि आज थोड़ा सा कैजुअल रीडिंग करेंगे, कि इंस्टेड ऑफ कोचिंग मटेरियल हम एक कोई UPSC रिलेटेड बुक पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि ये कैजुअल रीडिंग जो है ये एक तरीके से अवॉइड करनी चाहिए। हमारी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो इंटेंस होनी चाहिए, विच मीन्स दैट फॉर एग्जांपल जो चीज़ 20 मिनट में 3 पेज पढ़ के की जा सकती है, उसके लिए हमें 200 पेज एंड 10 घंटे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसे कि 2018 एंड 19 अटेम्प्ट में मैंने इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरीके से पढ़ा था, जिसमें ऑलमोस्ट 3 दिन इन्वेस्ट हो गए थे या 3 दिन लग गए थे। ऑन द अदर हैंड 2020 अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने उसकी समरी पढ़ी एंड मैंने यूट्यूब पर समरी वीडियोस देखे। तो ये पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस है ये कुछ घंटों में हो गया एंड एक बेटर तरीके से हुआ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्टडिंग है वो हमारी स्टडिंग बहुत इंटेंस होनी चाहिए। हम अपने घंटे फिल करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब आते हैं हम यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन पे। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या पूरी तरीके से सोशल मीडिया छोड़ना ज़रूरी है प्रिपरेशन में। मेरा ये मानना है कि एक तरीके से एक मिडिल ग्राउंड हमें लेना चाहिए। अगर हम पूरी तरह सोशल मीडिया चलाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड हमारे पास पढ़ाई के लिए समय नहीं बचेगा।
ऑन द अदर हैंड अगर हम पूरी तरह से सोशल मीडिया बंद कर देंगे, जैसे हम व्हाट्सएप भी बंद करते हैं, टेलीग्राम भी बंद करते हैं, लोगों का फ़ोन लेना बंद करते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे सस्टेनेबल होना प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लंबा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 2-3 साल पढ़ाई में बिजी रह सकते हैं, तो आपकी पढ़ाई सस्टेनेबल होनी चाहिए और इसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह चलाइए, आप सोशल मीडिया को मिनिमाइज़ करिए लेकिन पूरी तरह बंद मत करिए, आप अपने दोस्तों से बात करते रहिए ताकि आप एक तरीके से कनेक्टेड फील करें लोगों से, एंड आप लोगों से स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते रहिए, आप लोगों से फेलो एस्पिरेंट से आप पूछते रहिए कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपको भी कुछ सीखने मिलेगा एंड उनको भी कुछ सीखने मिलेगा। इसके बाद जो जनरली एक क्वेश्चन होता है कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है, मैंने 2017 के अटैम्प्ट में थोड़ी बहुत कोचिंग ली थी, वीकेंड कोचिंग ली थी, बिकॉज मेरा कॉलेज के साथ शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट करता था इसलिए वीकडे कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो कोचिंग बेसिकली एक गाइडिंग लाइट की तरह है, यानी कि कोचिंग आपको रास्ता दिखा देती है, कोचिंग वो आपको डायरेक्शन दिखा देती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही उस डायरेक्शन में चलना है। तो वो चलना जो है वो आपके एक सेल्फ स्टडी की तरह है, यानी कोचिंग एक पूरे बैच को बेसिक डायरेक्शन दिखा देगी, कोचिंग बताएगी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं जो ऐसे छोड़े जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको खुद ही टाइम इन्वेस्ट करना है एक एक टॉपिक पे, आपको खुद ही बार बार रिवाइज करना है, आपको खुद ही नोट्स बनाने हैं। तो माय एडवाइस वुड बी कि अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 साल दूर है तो आप एक कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग को एक गाइडिंग लाइट की तरह ही लीजिए, पूरी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की तरह मत लीजिए। कोचिंग इज़ अ बेसिक गाइडिंग लाइट, सेल्फ स्टडी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। जो लोग कोचिंग फिर भी नहीं लेना चाहते हैं, जैसे सपोज़ आपका जॉब की वजह से कंपल्शंस है या फिर आपके फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आजकल फ्री रिसोर्सेज जो हैं यूट्यूब पर काफ़ी एक्सटेंसिवली अवेलेबल हैं। तो नंबर वन आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताया कि करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। कई कोर्सेज जैसे ब्रुनाल सर के कोर्सेज या प्रतीक नायक सर के हिस्ट्री के कोर्सेज, ये यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं। एंड थर्ड चीज़, जैसे कि अगर आप पूरी कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आजकल मॉड्यूल कोर्सेज भी आते हैं, कई कोचिंग्स मॉड्यूल कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ एक पूरा जीएस का कोचिंग लेना, आप सिर्फ एक हिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं या आप सिर्फ एक पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं। फाइनली बेसिकली टू कंक्लूड मैं यही कहूँगा कि प्रिपरेशन का एसेंस इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक लंबा एग्ज़ाम है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, चाहे आपका पहली बार प्रीलिम्स ना हो, दूसरी बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन सस्टेनेबल होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि जोश जोश में आके एक दिन 14 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स में डालिए एंड मैं वहीं पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।